नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका मित्र मनीष दादा जैन मैं मेरे फार्म से आज हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ छोटे छोटे दो चार चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और छोटे छोटे वीडियोस भी लेना चाहता हूँ। तो अब मैं चाहूँगा कि ज़रा ध्यान से देखें। देखिए, ये एक औजार है, ये हमने हमारे मित्र सूरत से हमने वहाँ से सर्च करके मंगाया है। ये दाँते देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये पॉइंटेड जो दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 ये पॉइंटेड है। और इसके पीछे देखिए, यहाँ पर ये धारी का एक यहाँ पर ऐसा सी शेप का एक हमने यहाँ पर ये बनाया है, उसको यहाँ पे अटैच किया, वो वेल्डिंग करा हुआ है। तो ये वेल्ड हो करके ये मजबूत है और इसको अच्छी मजबूती से इसको वेल्डिंग दिया है। अब ये पर्पस क्या है ये बनाने का, ये कोई घास झाड़ पे से कोई खींचना ये ऐसा कोई पर्पस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा वीडियो में ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको जो है ये जो है ये आप जो बैठ करके मजदूर काम करते हैं इसको आप यहाँ से इसको नरम कर सकते हो। और ये जो दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड से अगर आपने यहाँ पे घुमाया तो ये देखिए, ये पूरे जो घास है ये आपके जड़ से निकल जाते हैं। ये देखिए घास, अगर आपको देखना है तो ये देखिए, हमने दिखाया आपको, ये देखिए घास पूरा निकल गया। तो ये घास निकल जाते हैं। और मजदूर क्या करता है दोस्तों, मजदूर जो रहता है, भाई रहेगी, आदमी रहेगा, हमारा मित्र रहता है, वो जा करके बैठ जाता है झाड़ के पास में, बैठ करके वो झाड़ के पास में यहाँ काम करेगा। तो यहाँ पे वो जब वो काम करेगा तो ये एक एक घास को बैठ करके निकालेगा। और ये जब मशीन रहेगी तो ये देखेगा, थोड़ा सा वीडियो बराबर देखेगा, ये इसको ऐसा निकाला, एक मार दिया तो ये नीचे से सब आ गया। अभी आपको लग रहा है ये यहाँ पे है, लेकिन ये जो है ये सारे के सारे निकल चुके हैं। ये देखिए सारे निकल चुके हैं, ये कुछ नहीं है, ये दिख रहे हैं खड़े खड़े, लेकिन ये जमीन में से देखिए सारे ये पोसे हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए मेरे हाथ में। मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी चीज लें। ये तो हमने बढ़िया बनाया, देखिए इसको पीछे पाइप था, पाइप लगाया है वाइसर के साथ में, हमने इसको नट को टाइट कर लिया है। और ये जो एंगल है, ये जो ये मशीन है, ये देखिए आपका ये यहाँ पे भी चलेगी। गोपाल इधर आइए, इसको चला करके बताओ कैसे चलेगी, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए। गोपाल दिखा रहे हैं आपको, देखिए देखिए, ये देखिए ईजी है, खड़े खड़े काम जितना जल्दी से होगा काम, इसमें प्रेशर नहीं लगता है, कोई दबाना, कोई मेहनत, कोई हिम्मत, कोई ऐसा जिम का काम नहीं है। लेकिन ये ऊपर के ऊपर में इतना काम हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो मजदूर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा अच्छे से बताइएगा ये मशीन के बारे में। ये देखो, ये देखो, ये पीछे से कर रहे हैं, पहले आगे से कर लिया उन्होंने, ये पीछे से कर रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे दूसरा दिखाना चाहता हूँ आपको, ये दूसरा देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए करके बताओ वीडियो यहाँ पे, ये देखो एक मिनट ये बताइएगा। ये देखिए इक्विपमेंट क्या है, ये पाइप है अपना, जो जीआई का पाइप होता है, ये ऊपर से हमने ये इसका ये लगाया है, इसको सी शेप है और इसको दोनों तरफ से धार है। इसको थोड़ा सा समझ करके लीजिएगा, यहाँ से भी धार है, यहाँ से भी धार है, क्योंकि ये दोनों साइड से काम कर सकता है, इसके लिए दोनों साइड से धार है। ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये वापस घास है, गवत जिसे हम कहते हैं, जिसे वीड्स कहते हैं हम इंग्लिश में। ये देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है और कितना बेहतरीन काम हो रहा है। ये ऐसे काम अगर हम खेती के अंदर, खेत के अंदर में हमारे फसल के साइड में जो हमारे यहाँ देखिए पानी दे रहे हैं हम, तो पानी देने की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ गई है। अभी आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे पकड़ के रखी है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पकड़ के नहीं रखा है। ये सारे जो झाड़ है ये सब देखो आप कितने फास्ट में, अगर यहाँ पे किसी को बिठा दिया हमने, मजदूर को, हमारे भाइयों को, तो किसानों खुद बैठ गए तो इसको बहुत समय लगेगा। और ये देखिए कितने फास्ट में ये यहाँ से झाड़ से 4 फुट तक का इन्होंने एक मिनट में कितनी जल्दी में साफ कर रहे हैं, आप खुद घड़ी को देख करके गिन सकते हो। बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है दोस्तों, मैं आपके बाद मैं चार पाँच इक्विपमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे खेत के अंदर में देखिए ये कितना फास्ट काम हो गया है। और ये देखिए ये साइड का और ये साइड का, दोनों साइड का फर्क देखें अब आप। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये साइड का फर्क देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये साइड का फर्क देखिए जहाँ पे काम नहीं किया हुआ है, फर्क आपके सामने निकल चुका है। ये देखिए सारे के सारे निकल चुका है, दिखा रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये देखो हमारे वीडियो को दिखा रहे हैं आपको, देखो अब देखो तीसरा इक्विपमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तीसरा इक्विपमेंट जो है ये हमारा रोलर है, ये रोलर है, ये हाथ से रोलर घूमता है। ये देखिए आप, ये रोलर बना हुआ है, नॉर्मल है, थोड़े जिगजाग इसके पाते हैं, उसके अंदर में कोई धार वार कुछ नहीं, और ये साइड से उसको पैकिंग दी है। ये पाइप लगा हुआ है उसको, और ये पाइप लगा करके उसको मोटर जैसा बनाया हुआ है ताकि आप इसको घुमा सकते हैं और इसको करा सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं ये कैसे काम करता है, बताओ गोपाल ये इसका काम कैसे होगा। ये देखिएगा अब ये घास दिख रही है आपको, ये देखिए दोस्तों, क्लीन खेती करो लेकिन मेहनत करो, लेकिन टेक्नोलॉजी और मेहनत इसके साथ में करिए। देखिए आराम से, ये सूखी हुई जमीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, गिल्ली जमीन थोड़ी सी रहेगी, फुसफुस जमीन रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। ये देखिए बिल्कुल साफ। चौथा इक्विपमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए इसके अंदर में
सारे इसको हम दाते कहते हैं या हम इसको जो कहते हैं कि ये हमारे स्पोक्स या इसके ऊपर में पूरे धार धार का या ऐसे कांटों का जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा बंच एक दो तीन चार चार बंच लगे हुए हैं या ऐसा ऐसा घूम रहा है। और ये बंच के साथ में वापस से हम आपको दिखाते हैं ये हैंडल है ये पकड़ने के लिए यहाँ पे हमने इसके लिए एक अलग से चीज़ है तो ये इसकी ग्रिप है ये हमने यहाँ पे सूरत से मंगाया है ये और ये ग्रिप है इसकी ताकि ये अच्छे से काम कर सकता है। कैसे काम करता है हम आपको दिखाते हैं दिखाओ इसको कैसे काम करता है ये इधर इधर आगे चला कर इस पर बताओ। ये देखिए दोस्तों ये देखिए ये देखिए ये इसको गाजर घास कोई कहते हैं कोई कांग्रेस कहते हैं कोई इसको बीज कहते हैं ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसके सफ़ेद फूल होते हैं इसमें से जब आते हैं बस एक मिनट रुक जाओ आप ये देखो मैं दिखाना चाहूँगा जब आपको लग रहा होगा ये यहाँ पे अभी है ये कुछ नहीं है। देखिए ये मैंने जैसे गुच्छा जमा कर रहा हूँ ये सारा गुच्छा मैं आपके लिए बता दिया ये देखिए मेरे हाथ में पूरा ये पूरा की पूरा बाहर निकाल दिया बहुत बढ़िया चीज़ है। ये ऐसी जो चारों चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने खेतों में लगाइएगा या खेतों के अंदर ही इसको वहीं नीचे रहने दीजिए इसको वापस निकालिए मत। ये खेतों में आपने लगाया तो ये खेत में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा और फ़ायदा इसलिए देगा ताकि आपका जो मजदूर होता है मजदूर नीचे बैठता है और जब नीचे बैठता है फिर ऊपर खड़ा होता है फिर नीचे बैठता है फिर खड़ा होता है एक झाड़ से दूसरा झाड़ तो उसको जो समय लगता है और बैठने की मेहनत लगती है और मेहनत बचेगी दोस्तों। ये देखिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा ये एरिया थोड़ी गिल्ली है ये यहाँ पर थोड़ी एरिया गिल्ली है तो मैं गिल्ली के अंदर में भी घुमा करके यहाँ पे जो हमारे काम चल रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। बताओ गोपाल कैसे गिल्ली में काम कर सकते हैं थोड़े पत्थर हैं देखिएगा समझ बताओ ये देखो बड़े बड़े घास सोचो कि देखिए एक एक फीट की घास है यहाँ पे ये देखिए कैसे काम कर रहा है गिल्ले में भी काम कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको अपना वो समझ रखना है कि आप गिल्ले के अंदर में भी कर सकते हैं सूखे में भी कर सकते हैं थोड़ी पथरीली ज़मीन हो उसमें भी काम कर सकते हो और कैसे काम करना है ये सब आप देख सकते हो। ये देखिए जड़ के साथ में इसने बाहर निकाला है और ये हम लोग निकालने के बाद में हमको उठा करके फेंकते नहीं है हम लोग उसको वहीं छोड़ देते हैं दोस्तों। तो यहाँ छोड़ने का रीज़न क्या है ये सूखेगा सूखेगा तो ये यहाँ पे वीड्स बनेगी तो इससे खाद मिलेगा तो हम जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं ये ऑर्गेनिक बोलने की बात होती है तो आपका नेचुरली ऑर्गेनिक हो गया। देखिए ये वापस से ये चीज़ है ये देखो बीजू को जरा बराबर करके बताओ थोड़ा सा और मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूँ देखिए कितना अंदर जाता है ये आप इसको अगर प्रॉपर देखो लाखो ये देखिए कितना अंदर गया दोस्त मेरे हिसाब से देखिए मैं ये हटाना चाहता हूँ ये देखिए जमीन के अंदर ही अब आपको दिखा ये करीब 2 इंच 3 इंच 4 इंच ये अंदर 4 इंच 5 इंच तक जा सकता है आप इसको है थोड़ा सा हल्का लेडीज भी इसके अंदर में घुमा सकती है। देखिए ये फर्स्ट काम हो जाएगा मजदूरी आपकी बचेगी मतलब जो मजदूर दिन का देते हो आप मजदूरी उनको दिन दिहाड़ी दीजिए उनको उसमें कमी मत की रही है लेकिन काम ज़्यादा निकल सकता है। थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना है देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलिए लेकिन इसके अंदर में ये चीज़ बहुत बढ़िया है जो आपको रिटर्न देगा जो आपको फ़ायदा देगा और जो आपके खेत के लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए हम यहाँ पे ये घुमा करके दिखा रहे हैं आपको करो 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 देखो ये देखिए है ना निकल गया जड़ से पूरा की पूरा निकल गया आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन ये अगर आप देखेंगे ये देखिए पूरा की पूरा निकल गया साफ हो गया पूरा जिसे हम कहते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया। ये गिल्ली जगह है थोड़ी सी मॉइस्ट जगह है दोस्तों तो ये चीज़ें अपने हाथ की है आप जो करना चाहो इसमें करिए। ये तो हमने यहाँ पे कपास लगाई थी बीच में इंटरक्रॉप हमारा मेन क्रॉप तो नींबू है ये टिश्यू कल्चर का नींबू लगाया है हमने और ये जो है इंटरक्रॉप के अंदर साथ में है तो जब टिश्यू कल्चर से हम लोग को जो झाड़ है या टिश्यू कल्चर या नॉर्मल कोई भी हो जब आप इसको पानी देते हो तब पानी जब देते हो तो पानी के साथ साथ के अंदर में पानी के जो वजह से आस पास के अंदर में जो ये हो जाता है उसके लिए हम लोग ये जो घास उग जाती है उसके लिए मेहनत करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और मेहनत कर रहे हैं थोड़े बड़े झाड़ पे मेहनत कर रहे हैं ये देखिएगा बड़े झाड़ भी यहाँ पे कैसे निकल सकते हैं बताओ गोपाल कैसे निकल रहे हैं बताओ बताओ ये देखिए दोस्तों ये बड़ी बेल थी ये देखिए आप देख रहे हैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से बता कर निकाल रहा हूँ या कुछ हो रहा है बताइए करिए करिए पूरा की पूरा झाड़ निकालिए एक बार उनको बताइए पूरा की पूरा ये देखिए पूरी मेहनत से होगा ड्रिप का पाइप संभालना दोस्त नहीं अंदर है अंदर अंदर नहीं कोई कोई बात नहीं है उसके साइड से ले लो एक बार उसके पीछे से ले लो एक बार घुमा लो देखो कितना अच्छे से हो रहा है ये देखो कितना बढ़िया पूरा साफ हो गया कुछ नुकसान नहीं है पूरा की पूरा हो गया ये देखिए यहाँ पे ये रहेगी ये भी हो गया सॉरी मेरे को लगा है कुछ नहीं है तो पूरी की पूरी सब साफ हो गई है ये देखिए ये थोड़े से 2-3 ये रह गए देखिए हाँ ये रह गए ये देखो ये अभी क्या बताएंगे आप क्या चीज़ है दोस्तों ये
इसको वीड्स कहते हैं, इसे आप पाला पछोड़ा कहते हैं, इसे आप घास कहते हैं, इसे गवत कहते हैं, इसे आप कांग्रेस कहते हैं, इसे गाजर घास कहते हैं, जो भी कह लो सब टाइप की चीज़ें हैं। ये सब टाइप की चीज़ें जो है ये अपने काम की है, खेत में रहने दीजिए, सूखने के बाद में ये खेत के अंदर में ही आपको फ़ायदा देगी। ये देखिए जड़ के साथ में बताया इन्होंने, ये उसकी जड़ है, ये जड़ों के साथ में ये बाहर निकल गया है। और देखिए आदमी को कोई पसीना नहीं, कोई थकावट नहीं, थकावट आती है एकदम इजी है काम करने, एकदम इजी है, आसान है। ये क्या होता है, इससे फायदा क्यों, क्या फायदा बताओ, आप आपकी भाषा में बताइएगा क्या फायदा इससे। इससे पूरा घास निकल जाता है। अच्छा, मेहनत कम लगती है। हाँ, समय की बचत होती है। बहुत बढ़िया, तो समय की बचत कैसी होगी, फास्ट काम होने की वजह से। फास्ट काम होने की वजह से, तभी फास्ट काम कैसे होगा इसके अंदर में, के लिए अगर चार भाई लग रही है तो दो ही भाई कर देंगे सर। अच्छा, चार औरतों का काम या चार मजदूरों का काम, चार भाइयों का काम, ये दो ही काम कर सकती है बात। ये इतना वजनदार है, औरत थक जाएगी उठाकर, नहीं इससे बिल्कुल थकेगी नहीं, वेट से अच्छे निकलता है, उल्टा अच्छे से निकलता है। तो ये आपने वेट इसलिए इधर नीचे ज्यादा दिया है कि इससे ज्यादा निकलता है, बहुत बढ़िया। गोपाल तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, ये क्या चीज है, कैसी, इसके बारे में बताओ कुछ, ये तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो। समय की बचत, पैसों की बचत, इसमें हमारा काफी फायदा है, जहाँ की एक भाई एक टास्क लगाएगी अपना पूरा, एक टास्क मतलब एक लाइन, निम्नी से खुरपे से, इससे दो टास्क लग जाएंगे, मतलब एक समय में जो एक काम करेगी उतनी दो लाइन हो जाएगी उसकी, आधे घंटे का काम जहाँ पे 15 मिनट पे आ जाएगा, मतलब टाइम की बचत आपका 50%। तो बचत तो सब जगह होना चाहिए, हमारा देश ही बचत से आगे बढ़ेगा और आपकी और हमारी इनकम भी बचत से बढ़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा और ये औजारों का इस्तेमाल कीजिएगा, और ये औजार इस्तेमाल करने से ही फायदा कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के औजार है और कोई कॉस्टली नहीं है। आपको लगेगा कि हजारों के, मैं तो बताया आप खुद बना लो, आपको चाहिए तो आप एक संपर्क करिए, आपको खरीदना है तो हम भी हमारे दोस्त से मंगा करके आपको दे सकते हैं। आपको संपर्क करना है तो हमारा ये गोपाल पाटिल का हम नंबर देते हैं, गोपाल तुम्हारा नंबर बोलो राजा। 9860797 8098 6 0 7 9 8 6 0 7, ये उनका नंबर है, मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में से नंबर लीजिएगा और उसमें कांटेक्ट करिएगा। जैसे नॉर्मल है आपको बनाना है तो आप भी बनाइएगा, अपने यहाँ लोहार होते हैं, अपने यहाँ पे छोटी सी वेल्डिंग की दुकान होती है गाँव में, आप देखिएगा, लेकिन इसका थोड़ा टिप्पड़ होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम से, ताकि ये यहाँ पे जाकर के अंदर से ये बराबर भार माल निकाले, और उसके बाद में इसको वेल्ड करना जरूरी है ताकि ये दोनों तरफ से इसका धार रहे, और ये धार निकलने के बाद में आप इसको फाइलर से धार फाइल कर सकते हो, यूज़ करिएगा, फ़ायदा लीजिएगा और फिर मुझे याद करिएगा। जय हिंद, जय बलि राजा। एक मिनट, लाइक और सब्सक्राइब करना तो मैं बोलना भूल ही गया, उसके बिना आप लाइक और सब्सक्राइब कैसे करेंगे, और शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे जो हमारा किसान भाई है, शेतकरी है, उसको भी आपको ये चीज़ दिखानी है और उसको आपको उसका फ़ायदा करने देना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मनीष दादा का खेती का एग्रो चैनल जो है हमारा एग्रो अर्थ, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय बलि राजा, जय किसान।